आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे मीलाई मसाकर की, और एक और सीरीज हाजिर है आपके सामने, एक और लेक्चर हाजिर है आपके सामने मसाकर का, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है। और ये किया किसने था? गुनाहों के देवता, बिल्कुल सही है भैया, अमेरिका, जो दुनिया का दादा बना फिरता रहता है और हमेशा पीस को नेगोशिएट और पीस को इनिशिएट करने की बात करता रहता है। अगर दो देशों में कोई भी डिस्प्यूट है, हम शांति कराएंगे, बहुत बड़ा अपने आप को देवता दिखाता है। उनके द्वारा किया हुआ है ये मसाकर, ये जेनोसाइड, जहां पे पूरे के पूरे गांव को ही साफ कर दिया था, पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी थी, बच्चे बूढ़े औरतें सबको मार दिया था। ऐसे एक चीज बता दूं, इस दुनिया में ना किसी के भी हाथ साफ नहीं है, धुले नहीं है, सबके हाथ खून से रगे हुए हैं। यहां पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा कुछ हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यहां पे हर कोई जो भी है सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, ये वियतनाम के छोटे से गांव मीलाई में हुआ था। ये मीलाई इसको बोलते हैं, मैं मीलाई बोल रहा हूं, मीलाई में छोटा से जिले विलेज है ये, और वहां पे बहुत लोगों को मार दिया गया था। ऊपर से ऑर्डर्स थे काफी, वहां पे सोल्जर्स ने इसको नकार भी दिया था। अमेरिका की छवि आमतौर पे ये है कि अमेरिकन सोल्जर्स कभी भी मार नहीं सकते, वो हमेशा रेस्क्यू करते हैं, लेकिन यहां पे उल्टा हुआ था। तो इसकी स्टोरी जानेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आप मेरे फेसबुक पेज sid_e_connect या फिर मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है, दोनों जगह से आप ले सकते हैं। साथ ही अपडेट्स, कॉन्टैक्ट्स, क्वेरीज सब आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम खजाना लेके आए हैं 22,500 रुपए में यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स, आज ही ऑर्डर करके अवेल करें और अपनी ड्रीम जॉब निकालें। स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सारे एग्जाम्स के लिए पेन ड्राइव कोर्सेज लेके आए हैं, तुरंत ही अवेल करें, कमाल के साबित हो सकते हैं ये, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट या नंबर्स पे कॉल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीन मैप मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत, और ये रहा वियतनाम। वियतनाम की यहां पे बात हो रही है, ये पूरा का पूरा वियतनाम है। ये पूरा रीजन जो है ये इंडो चाइना रीजन है, इसको फ्रांस जो है वो कंट्रोल करता आया था। 1953 में फ्रांस वहां से चला गया, फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। हमने पिछली बार जब मैंने कॉम्बोडियन मसाकर का लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया भी था इस रीजन के बारे में, ठीक है। तो ये चीज है, चाइना से सटा हुआ ये पूरा इंडो चाइना रीजन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं छोटा सा ये वियतनाम है ना, ये वर्ल्ड मैप में है। अब अगर वियतनाम का मैप देखें तो ये मीलाई जो है वो यहां पे आता है तकरीबन, ठीक है। ये छोटे से विलेज में ये सब कुछ हुआ था। अब आप बोलेंगे यहां पे अमेरिका क्या कर रहा था भैया? स्टडी आईक्यू पे वियतनाम वॉर पे एक वीडियो अवेलेबल है, मैंने भी पिछले लेक्चर में कंबोडियन जेनोसाइड जब समझाया था तो उसमें भी आपको बताया था, फिर से बताता हूं। देखिए 1945 में, मैं हमेशा बोलता हूं, सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए, यहां से यूएस वर्सेस यूएसएसआर यानी कि डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म होने लगा, ठीक है। 1900 सभी कंट्रीज को वैसे इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और 1953 से ये पूरी फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्ट हो गई। इस एरिया को, इंडो चाइना रीजन को इंडिपेंडेंस मिल गया, फ्रांस चले गए, लेकिन एक नया दुश्मन आगे खड़ा हो गया, अमेरिका, जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्ला रहा था, डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या था कि यहां पे वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम में डिवाइड था। ये साउथ वियतनाम को सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, जितने डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, और ये नॉर्थ वियतनाम को बेसिकली यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था जो कि कम्युनिस्ट है, ठीक है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन अमेरिका को बहुत ही जल्द पता लग जाता है कि यहां पे कुछ नहीं होने वाला, और ये शायद पहला ऐसा वॉर था। अमेरिका हारा तो नहीं था, लेकिन वियतनाम जीत गया था, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस ने अपनी ट्रूप्स हटा ली थी, और उसके बाद तीन देश, लाओस, नॉर्थ वियतनाम और कंबोडिया, ये कम्युनिस्ट हो गए थे पूरी तरह से। और उसके बाद 1975 में जब पूरी तरह से कंबोडिया, 1975 में ही अमेरिका ने अपने ट्रूप्स हटा लिए थे, और जब 1975 में कंबोडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, और उसके बाद फिर पॉल पॉट जो कम्युनिस्ट केमा रूज इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी और कम्युनिस्ट नेता थे, ये जब सत्ता में आए कंबोडिया में, तो क्या जेनोसाइड मचाया, वो मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं वियतनाम की। तो वियतनाम में हुआ क्या था, चलिए देखते हैं। देखिए, आई होप ये आप स्टोरी समझ गए होंगे, ये बैकग्राउंड है, कम्युनिस्ट वर्सेस डेमोक्रेसी, यही बेसिक मुद्दा है, ठीक है। क्या था कि 1955 के बाद से ही अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया था वियतनाम की, जाओ और वियतनाम को इंडिपेंडेंट कर दो, डेमोक्रेसी ले आओ। अगर वियतनाम को देखें तो उसका जो एरिया है, जिस तरह से वो है, वहां वो गांव है,
वो जंगली एरिया है, ठीक है, वहां पे बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं, ठीक है, इस तरह का टेरेन है वहां पे, तो आसान नहीं है सर्वाइव करना, बहुत ही मुश्किल है, काफी सोल्जर्स को काफी बीमारियां भी हो जाती थी, उससे भी मर जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जो वियतनाम की तरफ से रिबेल्स लड़ रहे थे, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो लड़ रहा था NLF, या जिनको वियत कॉन्ग कहते थे वियतनाम वॉर में अमेरिका के खिलाफ, इनके खिलाफ लड़ाई थी। अब इसके खिलाफ लड़ाई क्या थी, ये अमेरिकन्स को ढूंढ ढूंढ के मारता था। देखिए अमेरिकन्स के पास क्या हथियार रहता था, वो प्लेन से जाता था, बम गिराता था, साथ ही सारे सैनिक जो थे इन लोगों को ढूंढते थे। लेकिन यहां पे वियतनाम के जो छोटे छोटे विलेज थे वो ये समझ गए थे कि अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और वो इन रिबेल्स को सपोर्ट करते थे, उनको खाना देते थे। भाई जाहिर सी बात है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तो चलेगी नहीं, पीछे बैकअप होना चाहिए, तो यहाँ पे सीधा सीधा सिटीजन्स का बैकअप था। अमेरिकन जो थे पागल हो गए थे, उनको डेली मारा जाता था। डेफिनेटली अमेरिकन भी बाद में पलटवार करते थे, भयंकर युद्ध होता था, अमेरिकन सोल्जर्स इसमें मारे जाते थे। इसी के चक्कर में दिमाग खराब हो गया अमेरिकन सोल्जर्स का और बदले की भावना जग गई। उस समय वियतनामीज का यह मानना था जो वहां के सिटीजन्स थे कि अमेरिकन बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी मार नहीं सकते, अमेरिकन सोल्जर्स तो रेस्क्यू करते हैं, वो बचाते हैं, उनके हाथ में बंदूक बचाने के लिए मारेंगे नहीं। लेकिन वो उल्टा पड़ गया। मार्च 1968 की बात है ये, ठीक है, इससे पहले एक भयंकर जनवरी फरवरी में भिड़ंत हुई थी, ठीक है, जंगलों में, जहां पे काफी यूएस सोल्जर्स को हानि हुई थी, काफी अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते थे, ठीक है, मारे गए थे इनफैक्ट। अब इसके बाद क्या हुआ था, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, पहले अमेरिकन सोल्जर्स नाइस गाइस बन के गए थे, जब ये सारी चीजें होने लगी, धीमे धीमे अमेरिकन सोल्जर्स मरने लगे और बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज होने लगी। एक चीज और बता दूं कि पहली बात, मैक्सिमम अमेरिकन सोल्जर्स वापस घर जाना चाहते थे, वियतनाम वॉर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, खुद भी वो एकदम परेशान हो गए थे कि भैया हमारी क्या गलती है जो हमको जबरदस्ती यहां पे भेज दिया गया है, ठीक है। और बाद में ये समझा फिर 1975 में फाइनली यूएस ट्रूप्स विदड्रॉ हुई। कौन थे प्रेसिडेंट उस समय, आप बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, सवाल है मेरा, उस समय कौन प्रेसिडेंट थे जब इनकी ट्रूप्स विदड्रॉ हुई थी, ठीक है, भारत के खिलाफ उनके काफी खतरनाक व्यूज थे, ठीक है, तो चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब बहुत भयंकर तरीके से अमेरिकन्स पे हमले होने लगे, तो अमेरिकन्स ने भी सोचा कि अब हम छोड़ेंगे नहीं इनको, चाहे जो हो जाए, और वो देखते देखते मॉन्स्टर बन गए। लेकिन इसमें आम लोगों की कोई गलती नहीं थी, ठीक है, आम लोगों की बिल्कुल गलती नहीं थी। जब बहुत ज्यादा चीजें होने लगी, अमेरिकन्स का मोराल जाने लगा और उनको एक ही चीज सूची, खत्म कर दो, उड़ा दो सबको, जो भी सामने आए उसको उड़ा दो, ठीक है। तो इसमें एक विलेज आया, छोटा सा विलेज, मीलाई विलेज, मैंने मैप में दिखाया था मीलाई विलेज कि कहां आता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटा सा विलेज आया, ठीक है। तो अब क्या था कि इस विलेज में ऐसा पता लगा कि यहां पे ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स, सोल्जर्स, रिबेल्स, यहां पे सारे लोग मौजूद हैं और इस एरिया को खाली कराओ और अगर जरूरत पड़े तो मारो, ठीक है, ऊपर से ये ऑर्डर्स थे। और ये बोला था कि ये जो जितने भी जो वियत कॉन्ग जो इनका ग्रुप है, इनके सिंपथाइजर्स यहाँ पे रहते हुए हैं, यहाँ पे सप्लाई जाती है, मारो। एक चीज और बता दूं कि वियतनाम को जीतना इसलिए भी बहुत मुश्किल हो गया था, एक तो यहाँ का टेरेन बहुत अजीब था, ठीक है, राइस फील्ड्स थी, पहाड़ थे, जंगल थे, जीतना इतना आसान नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज, ये लोग ट्रैप्स बिछाने में बहुत माहिर थे, धीमे धीमे आदत भी पड़ गई थी और वियतनामीज लोग ये भी समझ गए थे कि ये लोग कैसे हमला करते हैं अमेरिका, तो ये बूबी ट्रैप बिछाते थे, बहुत ही खतरनाक ट्रैप होता है, यहाँ पे अगर आप पैर रखेंगे तो उड़ जाएंगे। वैसे तो किलिंग के ही मोटिव से इन सारे ट्रैप्स को बिछाया जाता है, लैंड माइंस होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। तो अमेरिकन इससे भी बड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा था, उनको नहीं पता था कि कब कौन से ट्रैप में मैं पैर रख दूंगा और मेरी जिंदगी ही खत्म, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस विलेज में, मीलाई विलेज में ये लोग जाते हैं, मार्च 16 को ये ऑर्डर्स इनको एग्जीक्यूट करने को बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पे जैसा कि मैंने बताया, बोला जाता है कि यहां पे ये वियत कॉन्ग के सब सिंपथाइजर्स लोग रहते हैं, उनको मारो। लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो सिर्फ आम इंसानों को देखते हैं, वहां पे सिर्फ आम इंसान होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होते हैं, बूढ़े होते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं और अपना काम, डेली रूटीन होता है, अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ऊपर से ऑर्डर्स आए थे छोड़ना नहीं है सबको, और वहां का जो लेफ्टिनेंट था विलियम कैली, आई थिंक ये जो था विलियम कैली और मेडिना, अर्नेस्ट मेडिना, ठीक है, इन्होंने सब, इनका सब किया धरा था और इन्हीं के ही ऑर्डर्स पे भयंकर किलिंग्स हुई, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं, इसमें सारे सोल्जर्स ने भाग नहीं लिया था, बहुत सारे सोल्जर्स ने सीधा मना कर दिया था, ठीक है,
कि मैं नहीं करने वाला हूं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो काफी इमोशनल आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि हमने पूरी तरह से इनके ऑर्डर्स मारने को मना कर दिया था क्योंकि हमको मालूम था ये इंसानियत के खिलाफ है और अमेरिकन ऐसे काम नहीं करते, लेकिन ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स हैं, आप क्या करेंगे। आपको बता दूं, ये मिलाए मसाकर भले ही अमेरिका ने शुरू किया था, लेकिन खत्म भी एक अमेरिकन हीरो ने किया था, उसका नाम था हुडसन। अभी हम आगे देखेंगे उसकी हीरोइक कहानी, कैसे उसने मसाकर खत्म किया, सामने आके खड़ा हो गया था, देखेंगे हम उसको, ठीक है। तो क्या था कि ये विलेज में जाने लगे, भयंकर हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं ऊपर से, हेलीकॉप्टर से इंस्पेक्शन हो रहा है, फायरिंग हो रही है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। वहां पे लोग थे, आम लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, सबको इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो डीप जाने लगे, देखिए पहले ये खबर मिली थी कि इस विलेज में कोई नहीं है, इस मिला विलेज में कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वो सिर्फ इनके सपोर्टर्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो डीप जाने लगे उनको लोग दिखने लगे और वो आम काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, ठीक है। अर्नेस्ट मदीना ने बोला कि किसी को भी बेटा छोड़ना नहीं है, एकदम से फायर इन सब ने ओपन कर दी, भयंकर तरीके से गोली चलाने लगे, क्योंकि ऑर्डर था वैसा। अब यहां पे लोग संभल ही नहीं पाए, लोगों को पता ही नहीं चला कि हमने कर क्या दिया है, हमको मार क्यों रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा क्या, बकायदा फुटेज है, बकायदा यूट्यूब पे इसकी फुटेज है, फोटोज हैं, ठीक है, आप जरूर देखिएगा। हमने कर क्या दिया है, हमको मार क्यों रहे हैं, छोटे बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, और पूरा धीमे धीमे जो फील्ड्स थी ना वो इनके खून से रेड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये क्या करते थे कि एक घर में जाते थे, ठीक है, गोली मारते थे और उसके बाद ग्रेनेड फेंक देते थे, तो सब कुछ खत्म, पूरे गांव पे घरों गांव में घरों को जलाया जाने लगा। एक जो विक्टिम है वो बताता है, ठीक है, कि क्या हुआ था कि अमेरिकन आए, पहले मेरी ग्रैंड मदर को मारा उन्होंने, ठीक है, उसके बाद मेरे पूरे परिवार को भून डाला, ठीक है, मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक सारे अमेरिकन सोल्जर्स नहीं थे, तो इसको बाद में इवैक्यूएट कर लिया गया था। और वो ये बोलते बोलते ये जैसे वो बोलता है उसके बाद वो रोने लगता है, ठीक है। तो ये चीज थी, और बोलता है कि फिर मैं जब उठा, ये सारी चीजें देख के जब मैं उठा, तो मैंने देखा था कि मेरे घर वालों की लाशें मेरे आंखों के सामने पड़ी हुई हैं। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक ये चीज रहती है, जिनसे आप जिंदगी भर प्यार करते हैं, अगर इस कंडीशन में आप देखें तो इंसान तो वहीं टूट जाए, ठीक है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, ठीक है, वियतनाम में। तो ऐसा कुछ अमेरिका ने किया जो आज बहुत पीसफुल बनता है, वैसे आज तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद सबको गैदर किया गया, ठीक है, एकदम से फायरिंग बंद हो गई, सारे विलेज वालों को गैदर किया गया, पकड़ के बीच में लाया गया, सेंटर ऑफ द विलेज लाया गया, आसपास सारे के सारे सोल्जर्स थे। इसमें काफी सोल्जर्स ये भी बोल रहे थे कि भैया ये रोक दो, ये कर क्या रहे हो, इनकी क्या गलती है। देखिए क्या था कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है इंक्वायरी का, आप इंक्वायरी करेंगे, आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही तो कोई एक्शन लेंगे। यहां पे कोई कुछ भी नहीं, सीधा फुल स्टॉप, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, मारो सबको क्योंकि ये दुश्मन हैं, बस हम यही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था कि 70 से 80 विलेजेस को पूरा मार दिया गया था, ठीक है। अब एक इनको सेंटर पे लाया गया, ठीक है, जो मैं बता रहा था विलेज के सेंटर ऑफ द विलेज पे इनको पकड़ के लाया गया, एकदम किनारे पे एक बहुत बड़ा गड्ढा डिच टाइप का था, वहां पे इन सबको खड़ा किया गया, ठीक है, सबको खड़ा किया गया, बिना कोई वार्निंग दिए एकदम से इन पे फायर ओपन कर दी। बहुत जो औरतें थी उनके पास बच्चे थे, उन बच्चों को बचाने के लिए औरतों ने खुद गोली खा ली, बहुत लोग उस डिच में कूद गए, उस गड्ढे में कूद गए, ठीक है, और भयंकर किलिंग्स यहां से स्टार्ट हो गई, ये जेनोसाइड और मसाकर स्टार्ट हो गया। 60 से लेकर 155 तक बच्चे बूढ़े सब लोग शामिल थे इसमें, सब मारे गए, ठीक है। अगले दिन पूरी की पूरी कंपनी ने सारे विलेजेस जला दिए, भयंकर मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे वियतनामीज को पकड़ भी लिया गया। बहुत सारे सोल्जर्स ने सोचा कि मैं हम इनसे दूरी रहेंगे, और इन सोल्जर्स ने कुछ ने तो बहुत एकदम इसको विद्रोह भी किया इसका, लेकिन जो ऑर्डर्स थे कैली, विलियम कैली और अर्नेस्ट मदीना, जो कि बिल्कुल राक्षस की तरह आए थे और सीधे थे कि हम तो बिल्कुल छोड़ने ही नहीं वाले। लेकिन यहां पे एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है ह्यूग थॉम्सन। ये बंदा क्या हुआ कि यहां पे अमेरिकन पूरी सेना लगातार फायर की जा रही थी, लोगों को मारी जा रही थी, और ये पायलट था, और इसने हेलीकॉप्टर
एकदम बीचों बीच उतार दिया। तो जहां इसने हेलीकॉप्टर उतारा था यहां पे लोग थे बीच में, यूग थॉमसन, और यहां पे सोल्जर्स थे, बीच में इसने हेलीकॉप्टर उतार दिया। क्योंकि जब इसने नजारा देखा ना, सारे सोल्जर्स तो वैसे ही टूट गए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा भी था इस चीज से काफी सोल्जर्स को, और इवन जब मैं बहुत सारे सोल्जर्स का इंटरव्यू पढ़ रहा था तो लिटरली वो रोने लगे थे और वो यही बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे ऑर्डर्स थे। ठीक है, अब ये तो वैसे बोलना सही नहीं है क्योंकि जो हो गया सो हो गया, ऑर्डर्स थे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं और यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे ह्यूग थॉमसन ने यही सोचा कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, बीच में हेलीकॉप्टर को खड़ा कर दिया और उसके बाद ये किलिंग्स फाइनली स्टॉप हुई। जब ह्यूग थॉमसन ने देखा तो उन्होंने देखा हर जगह फील्ड्स में लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, सब पड़ी हुई हैं लाशें, गोली मारी गई है सबको, कोई भी इंसानियत बरती ही नहीं गई है, कैसे हम क्या मतलब हम करें। इसीलिए ह्यूग थॉमसन ने तुरंत ही रिपोर्ट की और बाद में इसको कवर अप करने की भी काफी कोशिश की गई थी। जितने भी बचे हुए थे उनको मेडिकल एड दी, और जो एक एक और लड़का था उसने भी अपनी स्टोरी बताई थी, तो उसके भी सारे परिवार को मार दिया गया था और वो इस डिच में ही पड़ा हुआ था, उसको भी वहां से बाहर निकाला गया, बहुत कम लोग बचे थे इस मसाकर में और वो उनमें से एक था, उसको भी बाहर निकाला गया और मेडिकल एड दिया गया। अब क्या है कि इस एक्ट के कारण ये जो हीरो थे ह्यूग थॉमसन, अमेरिका ने अवार्ड्स की बरसात करती, ब्रेवरी मेडल जो हाईएस्ट अवार्ड मिला है होता है इनको दिया गया, सोल्जर्स मेडल जिसको बोलते हैं इनको दिया गया, और उसके बाद भाई ये तो हीरो ही हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने काफी लोगों को बचाया, वरना और भी ज्यादा किलिंग्स हो सकती थी। ठीक है, अब क्या है इसके बाद क्या हुआ कि इसको पूरी तरह से कवर करने की बारी थी, इतना सब कुछ अमेरिका ने कर दिया, पूरी दुनिया तो बौखला जाएगी ना, यूएसएसआर के पास तो एक वो क्या कहते हैं कि एक मौका मिल गया ये बताने का कि देख लो अमेरिका जो इतना बड़ा बोलता है और आज खुद क्या कर रहा है। लेकिन पूरी तरह से कोशिश की गई कि इसको रोका जा सके, कवर अप कर दे, हम कोई भी स्टोरी बता दे, तो बहुत सारी स्टोरीज आती थी, ये रिपोर्ट आई थी कि देखिए वो जरूरी था और हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमने कोई भी नहीं मारा, जिनको मारा वो एक्चुअली में रिबेल्स थे, और ये सब बिल्कुल बनी बनाई बातें। लेकिन जब फोटोज, क्योंकि वहां पे कुछ जर्नलिस्ट भी थे, जब फोटोज आने लगी न्यूज़पेपर्स में, अमेरिकी न्यूज़पेपर में, तो सारे लोग आग बबूला हो गए और अमेरिका में ही इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गया। ठीक है, तो ये चीज थी। इस माय लाय मसाकर में 504 लोगों की हत्या हुई थी, 182 जिनमें औरतें थी, 17 प्रेग्नेंट थी, 173 चिल्ड्रेन थे और 56 जो थे वो बिल्कुल नवजात शिशु थे। ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्य जो है वो अमेरिकी फोर्सेस ने किया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि फिर पूरा का पूरा कवरिंग अब शुरू हो गई थी, किसी तरह बस इस मुद्दे को बाहर ना निकाला जा सके। लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं के ही बहुत सारे अंदर के सोल्जर्स थे जो खुल के सामने आए और इस रिपोर्ट पे बिल्कुल एकदम नकार दी इस रिपोर्ट को और सच्चाई बताई कि एक्चुअली में सच क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर जितने भी विलियम कैली को भी लेके जितने भी लोग थे जिन्होंने इसमें जिनका इसमें हाथ था और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इन सारे लोगों पे मुकदमे चलाए गए। विलियम कैली को तो उम्र कैद भी हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत बोला गया कि विलियम कैली को सिर्फ ये एक मोहरा था, असली काम तो कोई और करके चला गया, और विलियम कैली को तो इसलिए इनकी सेंटेंस जो थे वो थोड़ी रिड्यूस भी कर दी गई थी। ठीक है, और इसका जो आफ्टरमैथ था, बहुत ज्यादा गुस्सा था सोल्जर्स में, पूरा मोरल डाउन हो गया था, धीमे 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 उनको ये पता चल गया था, एक तो अमेरिका में खुद भी बहुत गुस्सा था, अमेरिका के सिटीजन भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि कर क्या रहे हैं, और धीमे 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 ये पता चल गया था कि इस वियतनाम से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और हम ये हारने वाले हैं। 1975 का दिन था, यूएस फोर्सेज ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद फिर एक नए एरा का ही उदय होता है। ठीक है, और फाइनली अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा था क्योंकि अमेरिका इस वॉर को जीत नहीं पाया था, डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो पाई थी, सोल्जर्स ने काफी पुल आउट करना शुरू कर दिया था और ओपनली बोलना शुरू कर दिया था कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, हम पता नहीं यहां पे क्या कर रहे हैं। लेकिन मी लाई मसाकर जो है ना, ये धब्बा है इंसानियत के नाम पे तो भाई, साथ ही अमेरिका पे भी धब्बा है जो इतना ज्यादा एडवोकेट ह्यूमैनिटी को करता है। तो वही कहने की बात वही है कि यहां पे कोई भी पाक साफ नहीं है, सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं, यहां पे सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में से पर्सनल इंटरेस्ट देखा जाता है। ठीक है, और इसी के बाद अमेरिका में भी काफी एंटी वॉर सेंटीमेंट्स भी स्टार्ट हुए कि वॉर को अब हटा ही दिया जाए और अब बेटर है कि हम इन्वेड ना करें। लेकिन उसके बावजूद
अमेरिका ने इन्वेड करना रखा। सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी मैंने कवर की, उसमें भी देखिएगा कि किस तरह से अमेरिका ने वहां पे भी कबाड़ा कर दिया। तो अमेरिका की तो हमेशा से ही फितरत रही है, और अभी भी कुछ पता नहीं कि कहां का वो इन्वेड कर दे। सीरिया में तो प्रॉब्लम चली रही है, पूरा कबाड़ा हो चुका है उस रीजन का, ठीक है। तो ये अमेरिका की फितरत है, थोड़ा सा उनको भी सीखना चाहिए अपनी हिस्ट्री से, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलाई मसाकर बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट था, इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला लेक्चर मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।